नमस्कार, मैं हूँ रितम राव और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। सोशल मीडिया के ज़माने में लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो फैशन में है, जो ट्रेंड में है, और ट्रेंड में रहना किसे नहीं पसंद। फिर कुछ ऐसा जो फ्री में मिल जाए तो शायद ही कोई उसको लेने में पीछे रहे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बूढ़े होने का एक फैशन चल रहा है और ये कमाल एक एप्लीकेशन ने दिखाया है जिसका नाम है फेस ऐप। लोगों को अपने आप को बूढ़ा देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कई बार ट्रेंडिंग ऐप्स के पीछे भागना आपको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपने भी इस एप्लीकेशन का यूज़ किया है या करने वाले हैं तो उससे पहले ये रिपोर्ट ज़रूर देखिए। बुढ़ापा, ये एक ऐसा सच है जिसको सोचते ही वो सफ़ेद बाल और झुर्रियों वाला चेहरा नज़र आता है, लेकिन जब से फेस ऐप नाम के एप्लीकेशन ने ट्रेंड किया है, हर कोई अपनी बूढ़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। और ये जुनून सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, कई सारे सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स और कई सारे हॉलीवुड स्टार्स पर भी छाया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही एक खबर और जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि फेस ऐप आपकी प्राइवेसी के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। वो आपके फ़ोन की गैलरी के साथ साथ आपका पर्सनल डेटा भी कंपनी तक पहुंचा रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी परमिशन आप खुद कंपनी को दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से मोबाइल का सारा डेटा डायरेक्ट कंपनी तक कैसे पहुँच रहा है, तो आज हम इस रिपोर्ट में आपको यही बताने वाले हैं। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, उससे पहले देखिए आखिर ये फेस ऐप है क्या। फेस ऐप पिछले कुछ दिनों से गूगल प्ले स्टोर पर टॉप ट्रेंडिंग ऐप्स में से एक है। ये एक फ्री ऐप है जिसको आप एप्पल के ऐप स्टोर या एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 121 देशों में ये ऐप iOS ऐप स्टोर पर नंबर एक पर है, और इसको गूगल प्ले स्टोर से 10 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। फेस ऐप जो है वो एक फ़ोटो एडिटर ऐप है जो कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। इस एप्लीकेशन में इतने सारे फिल्टर है कि इन फिल्टर की मदद से आप अपने आप को बूढ़ा या जवान दिखा सकते हैं, आप अपना जेंडर भी बदल सकते हैं, और साथ ही इसमें ऐसे फीचर्स भी है जिसमें आपकी स्माइल, दाढ़ी, हेयर कलर और हेयर स्टाइल भी आसानी से बदली जा सकती है। अब आप फ़ोटो का बैकग्राउंड भी एक क्लिक में बदल सकते हैं। लेकिन जिस फीचर की वजह से फेस ऐप सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वो है इसका ओल्ड एज फीचर, जिसमें आप अपने आप को बूढ़ा दिखा सकते हैं। हालांकि इस एप्लीकेशन को 2017 में एक रूसी स्टार्टअप के थ्रू लॉन्च किया गया था, लेकिन ये वायरल अब हुआ है और पिछले कुछ दिनों से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा पोस्ट फेस ऐप की ही है। तो ये तो हुई एप्लीकेशन की बात, और जो मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है वो है आपके फ़ोन की प्राइवेसी का खतरा। पिछले कुछ दिनों से दावा किया जा रहा है कि फेस ऐप नाम की एप्लीकेशन आपके फ़ोन की प्राइवेसी के लिए बेहद खतरनाक है। यह आपके फ़ोन की गैलरी के साथ साथ आपके डेटा के लिए भी बिल्कुल सेफ नहीं है, और आप ये भी नहीं जानते कि इसकी परमिशन आप खुद कंपनी को दे रहे हैं। फेस ऐप से फ़ोटो आपकी गैलरी में ही नहीं बल्कि ऐप के सर्वर पर भी सेव होती है। ये ऐप आपका डेटा और डिटेल्स किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकती है या उसको बेच भी सकती है। फेस ऐप आपकी तस्वीरों को बदल कर इसका इस्तेमाल अपने कमर्शियल यूज़ के लिए भी कर सकती है। कुछ साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आप एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी चेक करेंगे, जो कि हम कभी नहीं करते, तो आप देख पाएंगे कि आप खुद उनको परमिशन दे रहे हैं कि आने वाले 99 साल तक कंपनी आपकी तमाम सारी जानकारी का इस्तेमाल कर सकती है या किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर भी कर सकती है। हालांकि ऐप कंपनी दावा करती है कि फ़ोटो 48 घंटों के भीतर डिलीट हो जाती है। वैसे सही कहा गया है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करे, तो बूढ़े होने से पहले एक बार सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए और अपनी प्राइवेसी का खुद ख्याल रखिए।